तुम कब तक ये बात अपने मम्मी पापा से छुपाती रहोगी? क्यों? और नहीं तो क्या, हमारी शादी के बारे में कितना सोचते हैं वो लोग पता है तुम्हें? शादी की तुम्हें जल्दी है क्या? देखो मजाक बहुत हो गया, तुम बात करोगी या मैं आकर तुम्हारे डैडी से बात करूं? तुम पहले गाड़ी में बैठो। हम दोनों कब तक ऐसे रहेंगे? सपने को सच करना है, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं। ओके ओके, तुम कुछ मत करना, तुम्हारे बात करने से पहले मैं खुद बात कर लूंगी, टेंशन मत लो। तुम्हें उन पे इतना भरोसा है? देखो शिवा, आज तक मेरे डैडी ने मेरी किसी बात को ठुकराया नहीं है। हम दोनों के बारे में बताऊंगी तो तुरंत वो मंगनी की रस्म लेकर बैंड बाजे के साथ तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, देख लेना। तो फिर कहती क्यों नहीं उनसे? ए, तुम्हें तो इतनी जल्दी है जैसे सब कुछ तुम आज ही कर जालोगे, है ना? और नहीं तो क्या। ओके बाबा, घर पहुंचते मैं आज डैडी से ये बात कर लूंगी। ठीक, शाम के 6 बजे मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है। घड़ी अपनी रफ्तार से चलती है या नहीं, लेकिन मेरा हार्ट बीट अभी से तेज हो रहा है। रहने दो रहने दो, सपना जब हकीकत में बदलने वाला होता है तो हार्ट बीट तो बढ़ता ही है। ला 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 ला। आओ बेटी, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। 15 सालों के बाद तुम्हारी मम्मी के रिश्तेदार तुम्हें देखने लंदन से आए हैं, कितनी खुशी की बात है। आओ बैठो। वेरी गुड। क्यों पंडित जी, शगुन पूरा किया जाए? बिल्कुल पूरा किया। अरे रे, ये सब तो ओल्ड फैशन है अंकल, मेरी और इनकी शादी तो होनी है, ये रस्म तो दिखावा है सब। अगली कार्तिक माह में 20 तारीख को शुक्रवार की सुबह 9 बजे श्री वेंकटेश्वर कल्याण मंडप में भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी और हमारी शादी का मुहूर्त निकाला गया है। हम दो परिवारों की इच्छा से शुभ शुभ काम पूरा करेंगे। ये लीजिए। ले लो बेटी, ले लो। दामाद जी, ये सब तो हो गया है बंगूठी की रस्म। श्योर अंकल। मैंने तुमसे कहा था ना, ठीक 5 बजे आ जाना, डैडी तुझे एक सरप्राइज देंगे। यही है वो सरप्राइज बेटा, तुम खुश तो हो ना बेटा? हाँ बेटा। सुबह तू भी मुझसे कुछ बताना चाहती थी, क्या बात है? नहीं डैडी, आपकी खुशी मेरी खुशी है।